ये जो बहन है चाट खिलाने लाई थी और स्टेशन पर ले आई है, छोड़ देने के लिए ट्रेन में जाके छोड़ देगी। हम तीनों को लाई है और ले आके स्टेशन पर छोड़ दी। अब देखते हैं चाट खाते हैं ट्रेन पकड़ लेते हैं सीधे। बाय बाय। हाय गाइस, तो मैं फिर से अपनी बहन के पार्लर में आ गई हूँ और यहाँ सब और ये मेरी बहन है, मैं इसकी बहन हूँ। मेरे पार्लर में मेरी चार बहन है। हाय गाइस, मेरी बहन है, मैं इसकी बहन हूँ। एक इधर है जो थक चुकी है, उसको नहीं है, उसको जो दौड़ा दौड़ के लाए अपने घर से ऊपर मार पैदल गए हैं। बहन के पार्लर के जस्ट सामने सहजन बिक रहा है, तो देखिए बहुत ही अच्छा सहजन है। और कटहल ये वाला वो तो मोटा देते हैं वहाँ, ये पतला वाला नहीं देते, मौसी वहीं रखते हैं। अच्छा, खरीद रही ले इन सब को मैं पार्टी आज दी हुई, सब मुँह उठा उठा के खा रहे। और चाय बन रहा है, चाय बन रही है मोबाइल से और इमरजेंसी लाइट से। ये रहा चाय और ये रहा कप और बनाने वाला, ये रहा बनाने वाली और पीने वाला इधर है। और भी बहन है, और भी उस तरफ है। हाँ, वही तो। अभी लाइट गई है और मेरी बहन चाय बना रही है, बाकी दो बहनें उधर बैठी हुई है, तो हम सब मिलके चाय पियेंगे और उसके बाद सहजन की सब्जी और रोटी खाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं, चाय बन गया है और बहन मेरी अभी चाय निकाल रही है। तो बड़ी बहन के यहाँ सहजन की सब्जी बता दो, एक ही गांव में है। एक ही गांव में दो बहन है मेरी, अभी अभी बाहर ले जाके एक बहन सब कुछ खिलाई है और ये भी चिकन उकन सब मंगा रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत खा चुके हैं। पेट में किसी की जगह नहीं, किसी की जगह नहीं, चाय ब्रेड से नाश्ता हुआ है। और हम लोगों का फेवरेट सहजन का सब्जी। और बिहार में सहजन बहुत ही अच्छा मिलता है, दिल्ली में या नोएडा में ना बहुत, मतलब थोड़ा अजीब सा, मतलब थोड़ा मोटा होता है और टेस्ट नहीं होता है उसमें। तो इसलिए सहजन का सब्जी राई के मसाला, सरसों के मसाला तो दोनों पड़ता है ना। तो ये बहन है, ये करी हमारे घर रोटी बनेगा, लेकिन हम यही बनाएंगे। तुम अपने वो करो, इधर रोटी बनेगा, हम लोग खाएंगे। नहीं, रोटी जल्दी खाने का मन किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। सब मार्केट सब घूमने गए थे सोनपुर में, तो वहाँ पे बहुत सारे चीजें हम लोग खा लिए हैं, तो अभी मूड किसी को खाने का नहीं है खाना। तो देखते हैं दोनों बहन क्या क्या पकाती है, फिर हम खाएंगे। अभी हम लोग गन्ना के जूस पी रहे हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा अपना प्यार दीजिए।